दोस्तों अगर आपकी बजट 20,000 रुपये और आपको स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही तगड़ी डील लेकर आया हूँ, जहाँ पे आपको सीधे 14,000 रुपये का ऑफ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ OnePlus Nord 3 के बारे में, जो कि लॉन्च हुआ था वहाँ पे 34,000 रुपये में, बट अभी यह स्मार्टफोन में 20,000 में देखने को मिल रहा है अमेजन के ऊपर। हम स्मार्टफोन को कैसे ले सकते हैं, कब से ले सकते हैं और क्या स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक साल पुराना स्मार्टफोन हो चुका है, जितनी भी जानकारी है तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दूंगा, तो बस आप इस वीडियो को मेंट तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक OnePlus Nord 3 5G का जो एक बार स्पेसिफिकेशन के हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ मैंने बोला फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ला कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी तगड़ी यूज करी गई है भैया। सामने की तरफ जो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि पंच होल स्टाइलिंग के साथ में आता है, ये भी तगड़ी बात है। बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जहाँ पे आपको सोनी का IMX890 वाला कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। एंड थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो कि मैक्रो शॉट्स क्लिक करेगा। तो कैमरा अलाइनमेंट काफ़ी तगड़ी यहाँ पे यूज करी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। एंड यहाँ पे आपको 80W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बात है। एंड यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट मीडियाटेक की तरफ से Dimensity 9000 देखने को मिल जाता है, जो कि नो डाउट अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पे LPDDR5X वाला रैम टाइप एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, 3.5 इंच मिसिंग है, डुअल सिम का सपोर्ट, डुअल स्पीकर। एंड ये स्मार्टफोन जो है जब लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिला था, और उस टाइम कंपनी ने प्रॉमिस करा था कि हम इसमें 3+4 का अपडेट देंगे। तो यहाँ पे देखिए, एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ, एंड्रॉयड 14 अभी इसमें रन कर रहा है, एंड्रॉयड 15 एंड एंड्रॉयड 16, मतलब एंड्रॉयड 16 तक के अपडेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, अगले 2 साल के अपडेट इसमें भी आपको और देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जज कर सकते हैं। तो ये रही एस्पेक्ट्स की कहानी यहाँ पे OnePlus Nord 3 की। अब दोस्तों देखिए, इसके बेस वेरिएंट पे ऑफर चल रहा है, जो कि है 8GB RAM + 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी एक्चुअल प्राइसिंग अभी अमेज़न पे आप जाओगे तो सीधे शो कर रहा है 20,999 रुपये, बट अगर आप कूपन लगाते हो तो 1000 का और डिस्काउंट है, जिसके बाद जो इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाती है 20,000 रुपये, मतलब 19,999 रुपये। और 19,999 रुपये के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्या ही तगड़ी डील है। Dimensity 9000, 50 मेगापिक्सल OIS, जहाँ पे सोनी का वो भी IMX890 कैमरा सेंसर, 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले, क्या चाहिए अब। 80W फास्ट चार्जिंग, 20,000 के अंदर अंदर हमें ये सब चीज़ें मिलना बहुत तगड़ी डील है। अगर मुझे भी स्मार्टफोन लेना रहता और मेरी बजट 20,000 रुपये होती तो मैं इस स्मार्टफोन को आँख बंद कर ले लेता। और हाँ, कुछ लोगों का ऐसा यहाँ पे दिक्कत था कि भैया ये स्मार्टफोन तो फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल रहा है 20,000-22,000 रुपये में बिक रहा था, बट फ्लिपकार्ट के ऊपर से परचेज करे या ना करे, क्योंकि वो ऑफिशियल वहाँ पे वेबसाइट तो है नहीं, क्योंकि ऑफिशियल जो यहाँ पे स्टोर वो अमेज़न है, अमेज़न बेचता है ऑफिशियली OnePlus के स्मार्टफोन को, बट अभी तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी नहीं है, अभी तो अमेज़न के ऊपर है। तो इससे बेस्ट डील आपको 20,000 रुपये में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि फिलहाल 20,000 रुपये में इससे बेस्ट स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी बजट 20,000 रुपये है, ले सकते हो, काफ़ी तगड़ी स्मार्टफोन, आपको कोई शिकायत नहीं है कि अगले 3-4 साल आप आराम से यूज कर सकते हो, 3 साल तो इस पर एक कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो आप स्मार्टफोन को चाहो तो ले सकते हो, 20,000 रुपये बजट है, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके अलावा दूसरे और किसी स्मार्टफोन की तरफ मत देखना, क्योंकि ये स्मार्टफोन की एक्चुअल प्राइसिंग 34,000 रुपये, और 34,000 का स्मार्टफोन आपको सीधे 20,000 रुपये में देखने को मिल रहा है, इससे बेटर डील क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। ले लो, यहाँ पे बैंक कार्ड्स का भी कोई झंझट नहीं है, बैंक कार्ड्स पे यहाँ पे ऑफर ही नहीं है, कोई ऑफर नहीं, एक्चुअल प्राइसिंग 21,000, 1,000 का कूपन डिस्काउंट है, बस उसको टच करके प्रेस करके अप्लाई कर देना है और ऑटोमेटिक आपको 20,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। खैर, यही सब जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था OnePlus Nord 3 पे जो ऑफर चल रहा है उससे रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।